मैं म्यूजिशियन हूँ तो काफ़ी म्यूजिक के करीब रहता हूँ, इसलिए मेरे को म्यूजिक की नॉलेज है, म्यूजिक के पैटर्न्स की नॉलेज है, इसलिए थोड़ी टेंशन कम है। स्नेहा बहुत अच्छी टीचर है, टेंशन बहुत कम है। सिर्फ यही है कि कुछ चीज़ें जो एक्सप्लोर नहीं करी है, कुछ ऐसे स्टाइल्स, क्योंकि हिप हॉप मेरे लिए नेचुरल है, मैं कर लेता हूँ। बाकी जैसे स्नेहा का स्टाइल है लैटिन, वो करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसमें बहुत अपने आप को रुकना पड़ता है और इतना पेशेंट नहीं हुआ है। तो इतनी सबर के साथ, सबर सीखी है मैंने यहाँ पे आके। हाँ एक्चुअली बिल्कुल सच है कि ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है, क्योंकि जैसे उसने ऑलरेडी बोला है कि ही कम्स फ्रॉम अ म्यूजिक बैकग्राउंड, तो रिदम ऑलरेडी उसके बॉडी में है। और रफ्तार बहुत हार्ड वर्किंग है, कभी ना नहीं बोलते, वट एवर न्यू थिंग्स ही हैज़ टू ट्राई, बहुत होल हार्टेडली और विलिंगली ट्राई करते हैं। एंड आई थिंक एज अ टीचर हक से बोलूँगी कि ये बहुत एक्चुअली बहुत वर्सटाइल है, तो काम इसके साथ काम करने की बहुत मजा है और बहुत ईजी भी है इस साल। अच्छा, आप दोनों से जानना चाहूँगा, जजेस में थोड़े से चेंजेस आए हैं, माधुरी और रेमो इस बार में, उन लोग दोनों को कितना मिस करने वाले, और नए जज के बारे में क्या कहना चाहेंगे, लॉरेंस शाहिद और गणेश हेगड़े के बारे में? सर देखो, मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ लाइफ में, क्योंकि मैं खुद वहीं से गुजरा हूँ, परिवर्तन संसार का नियम है, चेंज इज़ द लॉ ऑफ द यूनिवर्स। तो अगर कुछ भी चेंज होता है तो किसी अच्छे के लिए होता है। पहले 3 जजेस होते थे, अब 4 हैं, तो इट्स बिगर एंड बेटर। नॉट लाइक उनकी कमी खलेगी खलेगी, पर ये भी था कि लोग उनको देखते रहते थे और उनको, हमें पता था कि उनको क्या चीज़ पसंद आती है, जब माधुरी जी को क्या पसंद है, रेमो सर को क्या पसंद है, पर अब नए जजेस हैं, हमें नहीं पता उनको क्या पसंद है, सो वहाँ मुश्किल हो जाता है टास्क, सो इट्स गोइंग टू बी फन। अच्छा, यहाँ पर हमने जितने भी कंटेस्टेंट के साथ बात की, उन्होंने कहा कि गणेश सर काफी स्ट्रिक्ट है, खास करके डांस और हाँ जी टेक्निक को लेकर, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, इसके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा? देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है, अगर कोई बताएगा नहीं कि आपके अंदर कमी क्या है, तो अगली बार कुछ बेहतर करने का मजा नहीं है। हर बंदे के अंदर एक छोटी सी ईगो रहती है, क्योंकि हम डांसिंग विद द स्टार्स पे आए हैं, तो मतलब एक स्टार की तरह आए हैं, तो हर बंदा अपने आप को सोचता है कि मेरे को एंटरटेन करना है, मेरे को सबको खुश रखना है, पर जब कोई ना खुश होता है तो ऐसा लगता है यार क्यों, और बेटर करते हैं। तो मेरे को लगता है इट मेक्स अस एज अ बेटर पर्सन, हमें लड़ना सिखाता है और हमको और चीज़ें सीखने की जो इच्छा है वो बढ़ जाती है। मैं तो हर चीज़ को पॉजिटिव लेता हूँ। आपने अपने तरफ से क्या प्रिपरेशन किया? आई थिंक हर साल की तरह प्रिपरेशन ये है कि पहले आर्टिस्ट को देखो, उसका स्ट्रेंथ्स देखो, और उसका वीकनेसेस पे थोड़ा और ध्यान दे दो, ताकि वीकनेस भी स्ट्रेंथ बन जाए। आई थिंक द फंडा दिस सीजन विल बी एवरीवन हु इज अ फैन ऑफ रफ्तार हैज सीन हिम डू हिप हॉप, सो आई थिंक द चैलेंज विल लाई इन विनिंग एवरीवनस हार्ट, जब ये कंटेम्प या लैटिन करेगा फर्स्ट टाइम के लिए, तो लेट्स सी, लेट्स ब्रिंग समथिंग न्यू टू द टेबल with my artist. audience में काफी आपके फैन हैं, तो एक रैप हो जाएगा। audience में काफी मेरे फैंस हैं, कौन सा कैसे रैप करना चाहिए? झलक का टाइटल ट्रैक ही मैंने किया है, तो आप हर बार ही झलक दिखला जा खोलेंगे तो आपको मेरी आवाज सुनने को मिलेगी, तो मैं वही रैप दोबारा कर देता हूँ। शो मी वो चिगा बेबी, मुझे को दिखा दे कितनी तुझ में तेजी, नहीं झलक बड़ी अलग लटक झटक, मेरी जाना मत बन अब लेजी, अब छोड़ दे न करे दिखाना, तुझे स्टेज पे आग लगाना, तेरे पीछे होगा जमाना, स्टॉप, ब्रिंग द बीट बैक, कम ऑन।